अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो कस्टर्ड शरबत, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप दूध ले लेंगे, यानी आधा लीटर दूध ले लेना है। इसको हमें बॉईल कर लेना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। तो देखिए, दूध हमने ले लिया है, दूध हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है। मैंगो कस्टर्ड में थोड़ा सा ठंडा दूध मिला देंगे और इसकी हमें स्लरी बनाकर रेडी कर लेना है। इसमें लम्स वगैरह कुछ होने नहीं चाहिए, गुठलियाँ बिल्कुल प्लेन हमको इसकी स्लरी बनाकर तैयार करना है। देखिए, स्लरी बनकर रेडी है, इसको अभी साइड में रख दिया है मैंने। अब हमारा दूध भी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप के करीब शक्कर ऐड कर देंगे। इतनी शक्कर बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, इससे ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो इससे कम ऐड कर सकते हैं। अब शक्कर को अच्छे से हमको घुला लेना है। शक्कर जब घुल जाए तब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को इस वक्त हमको स्लो कर देना है और आहिस्ते आहिस्ते हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और कंटिन्यू इसको स्टर करते रहना है, वरना कस्टर्ड नीचे जाकर जमा हो जाएगा आपका। तो देखिए, इस तरीके से कंटिन्यू इसको पकाते रहेंगे। ज़्यादा गाढ़ा इसको हमें नहीं करना है, क्योंकि हम कस्टर्ड नहीं बना रहे, हम शरबत बना रहे हैं। तो ये हल्का हल्का, जब देखिए इस तरीके से गाढ़ा होने लगा है, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। इसको हम और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें हम हमारे शरबत को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हम पहले ठंडा कर लेंगे फ़ैन के नीचे। ये ठंडा हो जाए तब हम इसको फ्रीज में रख कर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए, फ्रीज में मैंने इसको रखा था। ये अब शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये थोड़ा गाढ़ा है क्योंकि मैं इसमें बर्फ़ ऐड करने वाली हूँ। अगर आप बर्फ़ ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको और पतला बना सकते हैं। तो आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे हम इसमें। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती जाएगी, शरबत भी हमारा जो है पतला होता जाएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मैंगो के पीसेस भी इसमें कट करके ऐड कर सकते हैं। थोड़े भीगे हुए सब्ज़े ऐड कर देंगे इसमें। सब्ज़े को मैंने भिगा कर रखा था, फिर उसके बाद इसमें ऐड किया है। अब इसको मिक्स कर देंगे तो हमारा मज़ेदार सा मैंगो कस्टर्ड शरबत बनकर रेडी हो चुका है। इनको हम सर्व कर लेते हैं ग्लास में। तो बहुत ही मज़ेदार सा और रिफ्रेशिंग सा ये ड्रिंक है। समर स्पेशल भी है और इफ्तार स्पेशल भी है। आप इसको इफ्तार में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको गार्निशिंग कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स से, या फिर सब्ज़ा भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।